आप सभी को दूसरे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे व्रत वाले जीरा आलू, तो चलिए बनाते हैं। दो चम्मच घी डालेंगे, व्रत वाला खाना हमेशा घी में बनता है। जीरा डालेंगे, अदरक डालेंगे, मिर्ची उतनी डालें जितना आपको तीखा पसंद हो। अब हम आलू डालेंगे, आलू को चला लेंगे अच्छे से। इसको हमें 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है, जब तक थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। व्रत वाला नमक डालेंगे, इसको हमें अच्छे से चलाना है जब तक क्रिस्पी ना हो जाए थोड़े थोड़े। अब इसको धीमी गैस कर देंगे और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे थोड़ी देर तक। ये आलू अपन ना व्रत खोलने के लिए बना सकते हो आप, तो ये आलू हमारे अच्छे से क्रिस्पी भी हो गए हैं और बन भी गए हैं। अब हम हरा धनिया डालेंगे, इसको चला लेंगे। अब हमारे आलू बनके हो गए तैयार। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे धन्यवाद।